नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है दर्शकों कभी कभी हम किसी की गलती की वजह से या फिर अपनी गलती की वजह से या जाने अनजाने किसी अनहोनी के शिकार हो जाते हैं जब हम किसी अनहोनी के शिकार होते हैं तो हम मन को समझा लेते हैं ये एक अनहोनी थी जो होना था लेकिन कुछ लोग ऐसी मंशा रखते हैं कि जान अनहोनी को अंजाम देते हैं लोगों को क्षति पहुँचाते हैं देश की संपत्ति को नष्ट करते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की जिसकी शुरुआत नाइनटीन में पश्चिम बंगाल एक छोटे से गांव से हुई और जिसकी आग जो है वो आंध्र प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ उड़ीसा साथ हमारे राज्य झारखंड में भी लगी दर्शकों नया सवेरा में हम आपको बताते हैं कि जिन झीलों में मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई थी वहां पे कैसी योजना चल रही है लोगों का विकास कैसे हो रहा है कैसे वहां पर नया सवेरा दस्तक दे रहा है आज के अंक में हम एक ऐसे उद्योग की बात करेंगे जिस उद्योग की मांग आज है कल भी होगी प्राचीन काल में भी थी वैदिक काल में भी थी जी हाँ हम बात कर रहे हैं तसर उद्योग की जहाँ पे रेशमी वस्त्र का निर्माण होता है दर्शकों यहाँ पे रेशमी वस्त्र के निर्माण होने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है साथ ही साथ यहाँ के लोगों का पलायन भी रुक चुका है हम बात कर रहे हैं चक्रधरपुर की चक्रधरपुर जो है पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है यहाँ पे तसर उद्योग काम कर रहा है लोगों को रोजगार मिल रहा है आर्थिक विकास हो रहा है पलायन रुक चुका है और नया सवेरा दस्तक दे चुका है तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम जिला पश्चिम सिंहभूम का चकरधरपुर स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान से युवाओं को रोजगार मिल रहा है बंदगांव प्रखंड का कुरुजुली गांव और उसके आसपास का क्षेत्र तसर रेशम कीट के उच्च गुणवत्ता के सीट कोसों के उत्पादन के लिए जाना जाता है कुछ साल पहले यह परिक्षेत्र अत्यंत पिछड़ा एवं रोजगार न होने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित था क्षेत्र के लोग इसके कारण पलायन कर रहे थे सामाजिक भटकाव भी चरम पर था लोग इस दौरान डर और भय के साये में रहते थे यही कारण है कि कई छोटी बड़ी घटनाएं घटी जिसमें कई बेगुनाहों की जाने गई लेकिन धीरे धीरे ही सही ग्रामीणों के लिए रोजगार का स्रोत ही बना साथियों जोहार कार्यक्रम नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ मेहुल प्रसाद साथियों आज हम आ पहुँचे हैं तशर प्रजनन केंद्र चक्रधरपुर में एक वक्त ऐसा था जब यहाँ के लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण दूसरे राज्यों में पलायन किया करते थे पर आज सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं का लाभ उठाकर यहाँ के लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं तो आइए बात करेंगे यहाँ के कुछ ग्रामीणों से और जानेंगे कि तशर प्रजनन केंद्र के खुलने से यहाँ के लोग किस प्रकार रोजगार से जुड़ रहे हैं हम लोग का पिताजी जब 2006 से करते आ रहा था उस समय हम लोग पढ़ाई कर रहा था जब 2018 से हम लोग भी ये जो ऑफिस बन गया तो 2018 से हम लोग भी शुरू कर रहे हैं खेती तो उससे हम लोग का बहुत कुछ लाभ हो गया जैसे पहले हम लोग का जैसे पढ़ाई लिखाई का बहुत दिक्कत हो रहा था हम लोग का पिताजी का समय में अभी जैसे हम लोग को लड़का सबको बढ़िया से पैसा यहाँ से जो चकाधरपुर तसर विभाग पीपोर से हम लोग जो हम लोग का साहब जो यहाँ गौश जी जब अंडा देना शुरू किया हम लोग को हम लोग का गांव में तो ऐसे हम लोग का लड़का बहुत कुछ प्राइवेट स्कूल में हम लोग दे दिए और जैसे हम लोग पिछले साल दो बाई मिल के चार पैकेट किए थे उसमें उनतीस हज़ार चार सौ या पाँच सौ हुआ था गोटी उसमें डेढ़ लाख लगभग पैसा हुआ था तो हम लोग पहले से अभी बहुत कुछ मतलब ये ऑफिस बनने के बाद बहुत लाभ हुआ और तो हम लोग का जो बहुत सुविधा हुआ पैसा पहले हम लोग इधर उधर परदेश जाते थे वहाँ पर ठेकेदार पैसा नहीं देता साल भर काम करने से दो महीने तीन महीने का पैसा देता था अभी गांव में कोई हम लोग का गांव का जितना भी आदमी ऑफिस में जोड़ने के बाद अभी कोई बार नहीं जा रहे ना लकड़ी पत्ता कुछ नहीं बेच रहे हैं हम लोग का गांव में अभी बहुत कुछ सुधर गया वहाँ एक भी आदमी वहाँ लकड़ी पत्ता नहीं बेच रहा हम लोग का तसर विभाग जोड़ने के बाद अभी तसर के उत्पादन से इस क्षेत्र के कृषकों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है तसर रेशम धागे और कपड़े को भी वैश्विक प्रसिद्धि मिल रही है साथ ही तस्र रेशम को एक विशिष्ट सामग्री के रूप में बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित है केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ही एकमात्र उच्च गुणवत्ता के सीड का केंद्र है जो तसर रेशम के बेस्ट सीड उत्पादन हेतु जाना जाता है पहले हम लोग बहुत गरीब था ये सब तसर खेती नहीं जानते थे उस समय 2006 से हम लोग खेती कर रहा था तो दो हज़ार दो हज़ार छः में भी बहुत अच्छा हुआ बी फोर से जोड़ के दो हज़ार छः से अभी तक हम नहीं छुड़ा कहीं हम नहीं बाहर नहीं गए तो जमीन सब भी खरीद लिया दो तीन जगह और घर भी बना लिया चापाकल भी खुदा है और बाल बच्चा को भी हम पढ़ा लिया वही सुविधा हम लोग अच्छा मिला अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से अभी सब जितना जो हम लोग सकेंगे तो हम लोग का जो उतने तक तो नहीं छोड़ेंगे तसर की थी थोड़ा पला ट्रेनिंग में तस्र की ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में, में, पता चला ट्रेनिंग में हम लोग यहाँ से अंडा लेते हैं सर हाँ तो नीचे ज़मीन में तिरपाल बिछाता है थोड़ा हल्का डेट पीट वाला बिछाता है उसका ऊपर में पेपर पेपर बिछाता है पेपर के ऊपर में पत्ता को थोड़ा ये करके उसमें और ब्रस पकड़ के उसको पत्ता में ये करते हैं और ज़्यादा उसमें लपेट हो गया तो गाछ में ये चढ़ते हैं और ऐसे ही थोड़ा आधा घंटा बाद नहीं तो इतना पाँच दस मिनट बाद फिर भी ऐसे ही लेते है, लेते हैं वो तो तो थोड़ा कम से कम पाँच दिन चार दिन रहेगा उसमें उससे दूसरा गाज हटाएंगे वो खाँची से काट के डाली को हल्का हल्का कब तो सर बहुत था ऐसे तो इतना जानकारी नहीं है अभी तो यहाँ से जोड़ के पैसा भी मिल गया बहुत अच्छा मिल रहा है अकाउंट में भी था गोटी लाने का बाद तो इसीलिए पैसा उन लोग हम लोग का पिताजी समय में तो दान ही ति कर रहा था धान कितना होगा बहुत कम होगा इसीलिए हम भी पढ़ा लिखे नहीं हैं फिर भी बोल रहे हैं पीछे का चक्का जो के च, गाड़ी का इससे ही थोड़ा हल्कापुर का हम हम लोग पिछले साल ले आता है दो पैकेट दो पैकेट ले आता है सोलह हज़ार गोटी काटा है अस्सी हज़ार पैसा मिला है अकाउंट में आ गया हम तो उस पैसा से हम लोग बाल बच्चा पढ़ाते हैं और सब कुछ ज़मीन भी खरीदते हैं उससे कुछ भी पैसा रहेगा तो कुछ तो उपाय तो मिलेगा ही धंधा तो करना ही होगा इसीलिए बहुत सुविधा मिला यहाँ हम लोग रेजा साहब भी रहेगा और घर का घर वाले भी हैं हम लोग सब जंगल मतलब एमए जिस जगह हम लो, ये पिल्ड लोग ये फील्ड में सब लोग छः से छः बजे हम घर से निकल घर लौटते हैं सुबह अगर छः बजे निकलेंगे तो शाम को छः बजे निकल घर लौटते हैं ऐसे पूरे ध्यान लगते हैं ध्यान करते हैं हम लोग क्या कि पैसा अच्छा मिलता है इसीलिए तसर रेशम अद्वितीय प्राकृतिक रंग चमक के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा है यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि हाल ही में तसर रेशम आकर्षण का केंद्र बन गया है क्योंकि झारखंड में बने तसर रेशम के कपड़े को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून 2023 की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को उपहार में दिया था पहले हम लोग का पैसा में भी बहुत दिक्कत हो रहा था हम जो पढ़ाई कर रहा था तो उस समय मेरे पिताजी को पैसा उतना नहीं देता था उसीलिए अच्छा से हमको पढ़ नहीं पाया अभी तो हम बहुत बैंक बैलेंस दिया है हम लोग को तो ट्रेनिंग यहाँ दिया गया कि शुरू में ऐसे अंडा ले जाते हैं हम लोग को पेपर में जब हाइचिंग होता है तो निकलता है कीड़ा सब उस समय ऐसे पेड़ के नीचे तिरपाल एक तो बिछा देते हैं और ऊपर में पेपर पेपर में अंडा को निकाल के उसमें कीड़ा निकल जाता है और पत्ता तोड़ कर हमको ले आते हैं वहाँ पर पैला देते हैं वहाँ चढ़ जाता है फिर पेड़ में लटका देते हैं और ऐसे ही टाँस पर जो पत्ता ख़त्म होगा उसको दूसरा पेड़ में ट्रांसफ़र करते हैं पहले हम लोग का गांव में बहुत खराब माहौल था बहुत खराब था कि हम लोग ऐसा हम लोग जो अभी तसर डिपार्ट में हम लोग जुड़े हुए हैं टाइप हम लोग नहीं थे हम लोग के पिताजी में बहुत बहुत कमज़ोर था कि हम लोग पैसा भी कम था बहुत हम लोग पढ़ाई करते समय भी हम लोग का मेरा पिताजी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था बहुत मुश्किल से हम लोग था तो हम लोग का एरिया में नक्सल ही था उस समय कुछ लकड़ी बेचने भी नहीं देता था लकड़ी काटने भी नहीं देता था पत्ता बेचने भी नहीं देता था बहुत मुश्किल था हम लोग का सब उसमें सब लोग बहुत मुश्किल था लेकिन अभी जो इस ताशा डिपार्टमेंट अब जो अभी हम जो जोड़े हैं हम लोग दो से जोड़े हैं दो में हम लोग किए थे ये सार लॉन्ग गया था उसको हम लोग को, को सिखाया ऐसे ऐसे करो और ऐसा प्लान करो ऐसा ट्रांसफ़र करो ऐसा हम लोग को सिखा दिया इस सब से हम लोग जो का सीख गया सीखने के बाद हम लोग बहुत अच्छा हुआ है हम लोग का और तो गरीबी से भी हम लोग थोड़ा दूर हो गए इसलिए हम लोग तसर में बहुत हैं और बच जो पहले हम लोग गरीब था उससे भी हम लोग दूर हो गए कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं था उस हम लोग को हम लोग बच्चा जैसे तैसे से हम लोग को पढ़ा लिखा कर दिया लकड़ी उकड़ी सब बेच के और हम लोग का धान का खेती हम लोग खेती बाड़ी में ही करते थे कुछ काम नहीं है और हम लोग का गांव में कुछ मतलब सरकार की ओर से कुछ ये काम भी नहीं मिलता था कुछ रोड भी नहीं बनता था और कुछ इंद्रवास कुछ सब नहीं बन रहा था, था। नक्सली के ये वजह से इसीलिए हम लोग जो नक्सली नहीं है अभी हम लोग का सांसून है और बढ़िया है और अभी हम लोग का बढ़िया कमाई भी हो रहा है और बढ़िया से हम लोग का अच्छा भी हम लोग हैं जैसा कि हम जानते हैं तस्र रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से आदिवासी और आर्थिक रूप से जरूरतमंद समुदायों द्वारा किया जाता है यह सदियों से आदिवासी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है लगभग 60 प्रतिशत तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड अग्रणी राज्य है पश्चिम सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड के कुरुजली गाँव व आस का परिक्षेत्र अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के कोषों के उत्पादन के लिए जाना जाता है जब उग्रवादी का जब पूरा हम लोग का क्षेत्र में उग्रवादी था उस समय हम लोग को करने नहीं उतना जोर शोर करने नहीं देता था क्या कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो पेड़ को नस्कान कीजिएगा बोल के हम लोग नहीं करने देता था तो वो लोग माना करता था अभी वो लोग नहीं है हम लोग का क्षेत्र में तो उसी हिसाब से अभी हम लोग का मन मर्जी हम लोग खेती कर रहे हैं मतलब कोई भी पेड़ पौधा हम लोग नुस्कान नहीं करते हैं उसको डाली चांद देते हैं जो आसान का पेड़ में जो सटा हुआ है उसका डाली छान लेते हैं और जाड़ी साफ करके हम लोग खेती करते हैं आ, तसर विभाग से हम जुड़े हैं दोस्त लोग को भी हम जोड़ने कोशिश किए हैं और जोड़ भी रहे हैं अभी नया और जुड़ रहे जोड़े हैं और अब इस साल भी और जोड़े हैं हम तसर विभाग से और अपना घर भी बना अपना घर के लिए वो, वो मेरा दोस्त का घर का देव वो पूरा हार्ड मताल हुआ था सब सबको समझाएं उसके बाद अब तसर विभाग से जोड़ेंगे तो इतना पैसा कमाएंगे और आप जुड़िए बोल कर के हम बताएं और जुड़ रहे हैं इस साल तीन आदमी जुड़ रहा है तो उस लोग को समझाएं और सब हम अपना गांव का उन्नति करेंगे बोल करके कर. ये तसर एक्चुअली सेंट्रल और स्टेट का कोऑर्डिनेशन में काम होता है सेंट्रल का जो काम होता है वो डी सप्लाई सुपरविज़न टेक्नोलॉजी या हमारा जो रांची स्थिति निर्देशक जहाँ बैठते हैं निर्देशालय है, है रांची में वहाँ नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप होता है उसी को हम लोग फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जरिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है स्टेट के जरिए वो डिस्ट्रीब्यूट होता है फार्मर्स के जरिए जिसका नायलॉन लेट हुआ सीखेचर हुआ आरी हुआ बहुत से जगह में खाद वगैरह के भी यह है तो वो स्टेट के जरिए हम लोग ज्यादा किसान तक पहुँचे उसका व्यवस्था हम लोग करते हैं भारत में तसर रेशम उद्योग से जुड़े लगभग साढ़े तीन लाख लोगों में से लगभग ढाई लाख लोग झारखंड से हैं तसर रेशम उद्योग गरीब लोगों के आय सृजन के लिए रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तसर रेशम कीट पालन में चक्रधरपुर वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो गांव है कुर्जली और आसपास के गांव में भटका और पलायन लगभग शत प्रतिशत तक रुका है कीट पालन से क्योंकि ये कीट पालन करके वो लोग पी फोर स्टेशन हमारा चक्रधरपुर कुर्जली और के उसके आसपास गांव में पी फोर रेयरिंग करता है और पी थ्री ग्रेनेज करता है पी फोर स्टेशन देश में एकमात्र पी फोर स्टेशन है चक्रधरपुर में पूरा देश में दस राज्य में तसार रेशम कीट पालन होता है हमारा भारत सरकार टू थाउजेंड में आ, कच्चा रेशम उत्पादन के लिए तीन हज़ार दो सौ मीट्रिक टन का राशिल का उत्पादन लक्ष्य दिया है उसमें लगभग सत्य पचास से साठ प्रतिशत रेशम कच्चा रेशम उत्पादन हम केवल हमारे झारखंड राज्य से ही होता है पूरा दस स्टेट्स के लिए पी फोर स्टेशन एक ही है देश में चक्रधरपुर चक्रधरपुर से जो उत्पादन हुआ क्वालिटी कौन ककुंस है उससे पितरी डी बना के हम लोग छत्तीसगढ़ में एक पितरी स्टेशन है देश के लिए उसमें भेजता है पितरी स्टेशन में कि वो लोग पितरी रेयरिंग करके पी टू डी बनाता है पी टू डी बना बना के देश में दस राज्य में अठारह बी एस एम टी है बी एस एम टी में उसको पी पी वन डी बनाता है पी वन डी एफ एल्स अग्र परियोजना केंद्र में राज्य सरकार के अधीन में चलता है वह अग्र परियोजना केंद्र में इसको कमर्शियल डेफल्स बना के देश में जुड़े हुए सभी किसानों को सप्लाई होता है उससे कमर्शियल सीट का कुल क्रॉप होता है एक सी टी आर एन है रांची केंद्रीय केंद्रीय रेशम बोर्ड के अधीन में काम करता है ये क्षेत्र में इधर हमारा पचास प्रतिशत हम लोग अनुसंधान करते हैं और 50 प्रतिशत प्रशिक्षण देते हैं लोगों के लिए इसके अलावा राज्य सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ सरिकल्चर भी जो रूरल इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट का अंतर्गत है वो लोग भी उसका अग्र परियोजना केंद्र और प्रशिक्षण भी कंडक्ट करता है वो लोग हम सब मिल के हम लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है महिला महिला है और आदिवासी लोग हैं गरीब लोग हैं उसको प्रशिक्षण देके सक्षम बना के वो लोग को रेशम उत्पादन में आगे लेने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो दर्शकों हमने देखा चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम जिला की कहानी कैसे वहाँ के लोगों की तकदीर और गांव की तस्वीर बदल चुकी है लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है कैसे आर्थिक विकास हो रहा है अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चल रहे हैं बुमू प्रखंड बुडमू प्रखंड में हम जाएंगे वहाँ पे जाएंगे मक्का गाँव मक्का गाँव में जाके देखेंगे की कैसे सरकारी नीति का लोग लाभ उठा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी योजना चल रही है योजना का लाभ लोगों को कैसे मिल रहा है और लाभान्वित लोगों से लेंगे जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए मक्का गांव बुड़मू प्रखंड रांची जोहार नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है आज हम रांची जिले के बुड़मू प्रखंड के मक्का गांव में उपस्थित हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा करता था लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब यह नक्सल मुक्त हो चुका है अब यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न भी विकास की योजनाएं पहुँच रही हैं आज यहाँ हम गांव के ही कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएँ यहाँ पहुँच रही है और पहले और अब में कितना अंतर आया है तो आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से बिजली में काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ है हमें लगता है कि रांची से ज़्यादा अच्छा हमको अभी यहाँ मक्का में बिजली मिल रहा है सिर्फ थोड़ा सा हम लोग का जो पुराना तार पॉल वगैरह जो जर्जर हो गई है उसे थोड़ा ठीक ठाक करने की ज़रूरत है बाकी हम लोग को गर्मी में हम लोग पेपर में देखते थे कि रांची में क्या कई घंटा बिजली कटता है लेकिन यहाँ ऐसा स्थिति नहीं है खेती बाड़ी का स्थिति ठीक है हम लोग को धीरे धीरे मनरेगा के तहत काफ़ी सिंचाई कुप मिल रहा है धीरे धीरे हर साल हमारे पंचायत में 20-25 कुआं मिल जाते हैं और सब लगभग लगभग सक्सेसफुल है और लोग अभी अच्छा खेती बाड़ी में धीरे धीरे और विकास करते जा रहा है जिस जैसे जागरूक होते जा रहे लोग कर रहा हैं अभी हमारे यहाँ से तीन सौ दिन सब्जी टाटा धनबाद दुर्गापुर वगैरह खीरा हुआ टमाटर हुआ मटर हुआ कोबी हुआ करेली हुआ ये सब गर्मी में भी जाता है शिक्षा का व्यवस्था जहाँ तक देखा जाए मक्का गाँव में बहुत दिनों से अच्छा है शिक्षा व्यवस्था ये मक्का स्कूल हमारे राजकिशोर किशोर उच्च विद्यालय मक्का और राजकिशोर कृत मध्य विद्यालय मक्का काफ़ी पुराना स्कूल है यहाँ से लोग काफ़ी पढ़ लिख के अफसर लोग भी बने हैं यहाँ मक्का पंचायत में एक बार सर्वे कराया गया था उस सर्वे के अनुसार उसको दो पार्ट में बांटा गया वो फर्स्ट पेज का पैसा मिल गया और लगभग लगभग हमको लगता है नाइन्टी नाइन परसेंट लोग बना चुके हैं कुछ एक दूके लोग जो नहीं बन पाया है बिल्डिंग कुछ अपने से भी पैसा लगा के कुछ अच्छा जो है सामर्थ्य वो बना लिए हैं खेती बाड़ी का जो विकास हो रहा है उसमें सिंचाई कोप नरेगा के माध्यम से मिल रहा है इससे सिंचाई की सुविधा हो जा रहा है खाद बीज उपलब्ध हो रहा है बाजार में इससे कृषि थोड़ा सा आगे चल रहा है और मार्केट हम लोग का अच्छा भी है इसीलिए कृषि में और ये बोलिए तो शौचालय उचालय सब सब आ गया है सबका निर्माण हो चुका है लाभुकों के यहाँ पर हमको लगता है साठ परसेंट लाभों को मिल चुका है और यहाँ पर निर्माण हो भी चुका है शौचालय है उजाला गैस है राशन कार्ड है सबका बना हुआ सब कुछ सुविधा है बिजली का तो बहुत अच्छा सुविधा है सर शिक्षा के व्यवस्था के लिए हम लोग गांव तो में तो प्राइमरी में आंगनबाड़ी केंद्र है तीन चार आंगनबाड़ी केंद्र है उसके बाद हम लोग के गांव में प्राइमरी स्कूल है हाई स्कूल है शिक्षा के लिए हम लोग गांव में अच्छा है तो टीचर उचर भी है सब है प्रशासन का सहयोग तो बहुत है सर प्रशासन अगर हम लोग का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कॉल कर देने के बाद वो तुरंत पहुंच जाते हैं। या कोई भी हम लोग का फंक्शन वंगशन होता है मेला जला मेला उला लगता है तो प्रशासन का डिप्टी अपना गार्ड उर्ड भेज कर रखते हैं गर्भवती महिला को शुरू से ले कर नौ महीना तक चार जांच एन सी जाँच करवाते हैं और बच्चा जब हो जाता है तो एक दिन के बाद गृह भ्रमण करते हैं छः दिन तक छः या सात दिन तक करते हैं और जैसे टीबी पेशेंट हो गया तो उसको हम ले जाते हैं स्ये, सी एस ले जाते हैं और वहाँ दवाई दिलाते हैं चेक करवाते हैं और कुष्ठ वगैरह सब हो गया वो सबको भी उसको भी, भी जांच करते हैं और सी एस सी पहुँचाते हैं और आ, हम लोग टीकाकरण में फिर बच्चा सबको बुलाते हैं घर घर जाके जागरूक करते हैं उसके बाद में सब आते हैं लाभार्थी साहब उसको वो सबको बताते हैं हम सी पी कार्ड के, के बारे में और सूख के बारे में बताते हैं और उसके बाद में इंजेक्शन सबको दिलाते हैं उम्र के अनुसार वहाँ राशन भी मिलता है विकास का काम हो रहा है जैसे हम लोग गिरी भ्रमण कर रहे हैं एच वी वाई सी भ्रमण हो रहा है ना तो उसमें मृत्यु दर कम हो रहा है और जैसे पहले ये सब नहीं हो रहा था तो पहले बच्चा का मृत्यु बहुत हो रहा था वो अब कम हो गया है और जो गांव घर में होता है रीति रिवाज ले कर के इस सब के लिए हम लोग पियले बैठा करते हैं रितिरवाज़ रिवाज़ में होता है कि सास अपने पुतह को खाने पीने में रोक टोक करता है वो सब के बारे में बताते हैं तो वो सब करने हम लोग नहीं देते हैं जैसे जिस तरह हम लोग बच्चा को मृत्यु दर को हम लोग जैसे काम किए हैं उस टाइप के हम लोग जो समाज में होता है उसको भी हम लोग काम करने के लिए पियले बैठा करते हैं हर माँ मेरा शादी हुआ था उस टाइम बाथरूम नहीं था और कुछ ए, छः साल के बाद इधर फिर बाथरूम हो गया तो महिला सबका सुविधा भी हो गया पहले बाथरूम नहीं था तो महिला सबका बहुत दिक्कत हो रहा था गैस हो जाता था और तबीयत ख़राब हो जाता तब वैसे ही में जब से अब बाथरूम आ गया तो हाँ जब से शौचालय आ गया उस टाइम से महिला सबका सुविधा भी हो गया और ऐसा तबीयत ख़राब भी नहीं होता है और गैस जब मिल गया उस टाइम से ये फायदा हुआ कि जब चूल्हा हम लोग जलाते थे तो बच्चा छोटा बच्चा लेके हम लोग काम करते थे चूल्हा के पास तो बच्चा तबियत तबियत ख़राब हो जाता था कभी तो निमोनिया भी पकड़ लेता था तो जब से गैस मिला है तब से हम लोग लकड़ी नहीं जलाते हैं और बच्चा भी तबियत ख़राब नहीं होता है अब और महिला का बहुत सुविधा हो गया है और हम लोग महिला समूह एगो ग्राम संगठन हम लोग का ये बन गया है समूह का और उसमें हम लोग पैसा रखते हैं दस जैसा दस बीस ऐसा करके जैसा ज़रूरत टाइम में हम लोग पैसा लेते हैं एक दो लाख तो हम लोग को टाइम से मिल जाता है और उससे हम लोग कुछ जैसे कुछ हम लोग काम करना चाह रहे हैं तो उनसे हम लोग काम करते हैं सरकार के तरफ से सिलेंडर मिला है गैस वाला और उसके बाद लेट्रिंग वाला शौचालय मिला और अथी क्या कहते हैं इंदिरावास मिला है पहले तो बहुत तो दिक्कत था अब तो पहले तो हम लोग को खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा था लेकिन आप तो ढेर कुछ पैदा पानी करते हैं तो हो जाता है खाने के भर देखिए अब तो वैज्ञानिक तरीका खेती चला है पहले तो ऐसा नहीं था नहीं। लेकिन अभी तो बहुत तरह का सरकार के द्वारा सुविधा मिल रहा है जो कि किसान के द्वारा पहुंचाया जा रहा है बहुत है ना लेकिन सबको अभी किसान तो बहुत शिक्षित नहीं है इसलिए सब कोई नहीं कर पा रहा है अभी लेकिन शिक्षित था वो लोग सब समझाते हैं बुझाते हैं दूसरा कोई भी अभी करना शुरू कर दिया है अभी तो है ना और धीरे धीरे तो विकास हो रहा है जब से मोदी सरकार आए हैं तभी से विकास हो रहा है पहले तो ऐसा नहीं था विकास बुड़मू प्रखंड का मक्का एक हमारा पंचायत है उसमें सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं चाहे आप आवास ले लीजिए अम्बेडकर आवास ले लीजिए नरेगा ले लीजिए पेंशन ले लीजिए इसके अलावा आपका विद्यालय वगैरह जो है वो आंगनबाड़ी सेंटर वगैरह जो है वो सभी अपना ससमय सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं हमारा लोगों के साथ बातचीत करने का उद्देश्य यही रहता है कि हंड्रेड परसेंट जो भी हमारे ग्रामीण हैं सरकार की सभी योजनाओं से आच्छादित हो जाए दर्शकों आज के अंक में हम गए चकधरपुर पश्चिम सिंहभूम जिला हमने देखा कि कैसे वहाँ पे तसर उद्योग काम कर रहा है लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है कैसे लोगों का आर्थिक उन्नति हो रहा है साथ ही साथ हम रुक किए मक्का गाँव जो बुरमू प्रखंड का हिस्सा है रांची जिले में आता है दर्शकों हमने देखा कि कैसे वहाँ पे लोग सरकारी नीति का लाभ उठा रहे हैं आज के अंक में दर्शकों फिलहाल इतना ही लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके समक्ष खड़ा व्यक्ति समाज से भटका हुआ है या समाज से भटकने वाला है तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उन्हें समझाएं कि ये राह गलत है और वो मुख्य धारा से जुड़े रहें अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त जोहर